अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। मैंने शायद उस लड़की को यही कोई अब ठीक से याद भी नहीं आ रहा 15-20 सेकंड के लिए देखा होगा। वो एक नाव में खड़ी थी, चिल्ला रही थी, बस उसके बाद अचानक गायब हो गया। मैंने सोचा डूब गई है, उसको और ढूंढा पर नहीं मिली। बाद में पता चला वो लड़की 2 साल से गायब थी। 2 साल से? अरे 2 साल से गायब थी तो अचानक मुझे कैसे दिखी वो? तो लोग कहने लगे कि लोग क्या, CID वाले भी कहने लगी कि वो लड़की नहीं, मैंने कुछ और देखा था, शायद मुझे सपना आया होगा। सपना? अरे बीच पे सुबह सुबह जॉगिंग करते हुए सपना? अब मैंने क्या देखा आप भी देखिए। क्या ठंडी ठंडी हवा है सुबह की। मैं तो कहता हूँ अभिजीत, तुम्हें हर रोज आना चाहिए जॉगिंग के लिए। फिटनेस और हेल्थ दोनों चकाचक। आना चाहता हूँ, मौका कहाँ मिलता है। सुबह से शाम तक एक ही काम है, क्रिमिनल्स को ढूंढो। ऐसी ताजी हवा अगर रोज मिले। एक मिनट, लो गई ताजी हवा। आ गया कॉल। हेलो। हाँ सर। हाँ ठीक है सर, मैं अभी पहुंचा हूँ ब्यूरो में। नहीं सर, बस ऐसे ही हवा खा रहे थे। ओके सर। क्या बना है केस? पता नहीं, ब्यूरो में आने के लिए कहा है, मुझे जाना पड़ेगा। मुझे भी बुलाए? नहीं, सिर्फ मुझे बुलाया। ठीक है तुम जाओ, या मैं थोड़ी देर समंदर की जरा ताजी हवा थोड़ा और। ठीक है, मिलते हैं, लगे रहो तुम। या बाय। ओके बाय। आपने नहीं देखा? नहीं। अरे वो चिल्ला रही थी, वो आवाज नहीं सुनी आपने? आप ही की आवाज सुनी भाई, आप ही को डूबते देखा है, सुना अपन। अरे क्या बकवास कर रहे हो, मैंने खुद देखा है, मैंने देखा है। वहां पे खड़ी थी उस बोट पे, मेरे सामने डूब गई वो, मैंने देखा है। ओके गाइस, मूव, अच्छी तरह से चेक करो। ओके कैसा Thank you.
सर अंदर कुछ भी नहीं मिला। आप रुक जाइए अभिजीत। एक अकेली लड़की मछली पकड़ने वाली बोट में, उसने तुम्हें आवाज दिया और फिर गायब हो गई। तुम्हें ठीक से याद है वो लड़की यहीं पर थी? सर मैंने साफ साफ देखा था, वो वहां पे चिल्ला रही थी हेल्प हेल्प। मैं वहां तैर के गया भी था मगर वो दिखी नहीं सर, उसको बचा नहीं पाया मैं। अभिजीत तुमने कहा कि यहाँ एक और आदमी था? हाँ वो जो रेड टी शर्ट में। आप क्या कर रहे थे यहाँ इतनी सुबह सुबह? आपको देख के लगता नहीं कि आप जॉगिंग के लिए आए। नहीं साहब, मैं यहाँ पे नारियल पानी का धंधा चलाता हूँ और अपना जो जॉगिंग करने वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करने आते हैं लोग, वो इधर उनसे मेरा खर्चा पानी निकलता है। तो मैं आया तो मैंने देखा है सुबह सुबह ये साहब वहाँ पे डूब रहे थे, तो मैं गया, मैंने कहा क्या हो गया? तो ये बोल रहे हैं कोई लड़की डूब रही है, मगर ऐसा देखा नहीं है मैंने, किसी लड़की को नहीं देखा था ऐसा। अरे कहाँ ना लड़की थी यहाँ पे, मुझे बराबर याद है सर, उसने येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। अभिजीत अगर ऐसा है तो मुझे लगता है वो लड़की की बॉडी बहुत दूर तक बह गई होगी। सर कहीं ताजा हवा का अगर अभिजीत सर ने कोई सपना तो नहीं देखा? अगर लड़की होती तो उसके कोई कपड़े भी तो मिलते। कैसी बात करते हो फ्रेडरिक, अभिजीत का चेहरा देखकर तुम्हें लगता है कि वो सपना टूटने से परेशान? अभिजीत सर। हाँ सर, ये वही बोट है, ये बोट तो अपने आप यहाँ आई नहीं सर, मैंने उस लड़की को जरूर देखा था। बोट के मालिक का पता लगाते हैं, पता चल जाएगा सर वो लड़की इसमें थी कि नहीं। सर हाँ सही है निशान, इस निशान से इस बोट के मालिक के बारे में पता लगाया जा सकता था और शायद उस लड़की के बारे में। ठीक है, पता करो इस बोट का मालिक कौन है। ये बहुत पुरानी बोट है सर, इसे तो डूबना ही था। इसमें जो छोटा सा छेद है सर ना, यहीं से पानी आया होगा। हाँ मगर ये बोट है किसकी? पता नहीं सर। बहुत पहले ये बोट सर हीरा लाल के घर के बाहर खड़ी रहती थी, इस समय उसने काम करना बंद कर दिया है। हीरालाल कौन है? सर एक बुड्ढा है, उसकी फैमिली में केवल दो ही आदमी है, वो और उसकी बीवी। सर अगर ये पुरानी बोट हीरालाल के घर के बाहर थी तो फिर वहां से यहाँ कैसे आई होगी? विवेक वैसे भी कोई पुरानी छेद वाली बोट लेकर पानी में जाएगा ही क्यों? हीरालाल दया, हमें इस हीरालाल को मिलना चाहिए, शायद इस हीरालाल को पता होगा इस गायब हुई लड़की के बारे में। बिल्कुल करेक्ट करेक्ट, वैसी ही दिख रही है। दो मिनट में जितना देखा था उसके हिसाब से बहुत अच्छा स्केच बनाया आपने। एक काम करते हैं, न्यूज़पेपर में छपवाते हैं ये, इसको देख के कोई ना कोई तो आएगा ही। फेडरिक्स इस स्केच को न्यूज़पेपर में छपवा दो। मेरी बात सुनिए सर, अगर सच में ऐसी लड़की हुई तो? सच में ऐसी लड़की हुई तो क्या कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ तुम्हारा मतलब है मैंने इस लड़की को देखा ही नहीं है? हाउ डेयर यू फेडरिक्स। यही उसका घर है साहब, बड़ा खड़ूस आदमी, किसी से बात तक नहीं करता। खैर वो हम लोग देख लेंगे, आपने यहां तक पहुंचाया, थैंक यू वेरी मच। क्या है? देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। हीरालाल जी आप ही हैं? सीआईडी मेरे घर पर?
मेरे से क्या काम आन पड़ा? देखिए, एक एक्सीडेंट हो गई है और उसके बारे में आपसे कुछ बात करनी है। जरा अंदर चल के बात कर सकते हैं? कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? 2 साल से रहते हैं। आप मेरी हालत तो देख रहे हैं। पहले मेरा घर बीच के सामने था। मैं भी समंदर में मछली पकड़ने जाया करता था। मेरी पीठ पर इतनी बड़ी चोट लगी कि मैं और मेरी बीवी ये मनसा यहाँ आके रहने लगे। लेकिन आप सब ये क्यों पूछ रहे हैं? लगता है आपको पता नहीं कि आपकी बोट गायब हो गई है। बोट? मतलब मेरी बोट बाहर नहीं है? अरे कहाँ गई हमारी बोट? कौन ले गया? वही ढूंढ रहे हैं हम लोग भी। आप लोग ये इस लड़की को पहले आपने कभी देखा है? नहीं नहीं। कौन है ये लड़की? ये लड़की आपकी बोट में थी। हमारी बोट में ये लड़की बैठी थी? देखा किसने? मैंने देखा है। क्या बात है, ये इतने सारे लोग? ये उसी स्केच का कमाल है जो पेपर में छपवाया था। इतने सारे लोग हैं जो उस लड़की को जानते हैं। इतने सारे? मतलब इन सबकी फैमिली में कोई ना कोई लड़की लापता है। सोचो कितना परेशान होंगे ये लोग। अब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कैसे पता चलेगा इनमें से उस लड़की का असली रिश्तेदार कौन है? सही है, उन सब लड़कियों के फोटोज है जिसका चेहरा उस लड़की के स्केच से मिलता जुलता है सर। और ये सब लड़कियां काफी टाइम से घर से लापता है सर। नहीं नहीं, ये भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। इनमें से कोई भी नहीं। सर मैं इन सबको वापस कर दूं? सर। हाँ कहो, क्या काम? जी मेरा नाम पुनीत है। हाँ? आज सुबह के अखबार में जो स्केच आया था उसके बारे में बात करनी है। तुम जानते हो उसे? जी हाँ, वो लड़की देखने में बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड जैसी है। 2 साल पहले वो अचानक लापता हो गई थी और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। 2 साल पहले गायब हो गई? लगता है ये कोई और ही केस है। क्या पता, शायद भाई हो। हाँ, तुम्हारे पास उसका कोई फोटो या एड्रेस है? जी हाँ, इसका नाम दीपिका है। यही है, यही तो है वो। इसी को देखा था मैंने दया, यही लड़की है। यही लड़की थी, बोट में बैठी थी, हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, मैंने इसी को देखा दया। सर लेकिन ये तो 2 साल से गायब है। अरे 2 साल से गायब है तो कल कहाँ से देखी मुझे ये? तुम इसकी फैमिली के पास लेके चलो हमें। बस सर, मैं आपको उनके पास ले तो चलूंगा लेकिन उसके डैडी किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देते। वो हम लोग देख लेंगे, तुम बस लेके चलो। चलो। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या कह रहे हैं। मेरी बेटी दीपिका गायब है और मुझे पता नहीं। ओह, तुमने ये सब सीआईडी को बताया? हमने तुम्हें दीपिका से मिलने नहीं दिया तो तुमने ये रंग दिखाने शुरू कर दिए। जीवनदास जी, इतने उखड़ने की जरूरत नहीं है। हमने आपसे एक सीधा सवाल पूछा, उसका सीधा जवाब दीजिए। आपकी बेटी दीपिका कहाँ है? मेरी बेटी दीपिका अमेरिका में है, वो खुश है, मजे में है। वो 2 साल से अमेरिका में है, उसकी शादी हो चुकी है। मैंने इस गधे को भी यही समझाने की कोशिश की लेकिन ये सुनता ही नहीं। सुनना क्या है, दीपिका मुझे बताए बिना यूएस कैसे जा सकती है? तुमसे बचने के लिए ही दीपिका इंडिया छोड़कर बाहर गई है। 2 साल बाद भी इसने हमें परेशान करना बंद नहीं किया। देखिए दीपिका 2 साल से अमेरिका में शादी करके बहुत खुश है। प्लीज प्लीज उसे वहाँ परेशान मत कीजिए। ठीक है, आप दोनों दीपिका के माँ बाप हैं, अपनी बेटी के लाइफ का फैसला करने का हक आप दोनों को है। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने दीपिका जैसी किसी और लड़की को देख लिया?
पुनीत चलो। चलो चलो मतलब दीपिका का क्या? सर वो कोई यूएस नहीं गई है, ये अंकल आंटी साफ झूठ बोल रहे हैं। थैंक यू जीवनदास जी, थैंक यू मैम। पुनीत हमने तुम्हारी बात सुन ली है, अब चलो यहां से चलो। सर सर आप सर मेरी बात सुनिए, अंकल खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हैं और आप उन्हें थैंक्स कह रहे हैं। देखो हम किसी को भी बिना बात के परेशान नहीं कर सकते। सर मैं भी किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये अंकल आंटी जो मुझे इतना पसंद करते थे वो अचानक इतने क्यों बदल गए। सर मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि मैं और दीपिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते। मतलब तुम्हारा प्यार सच्चा है, दीपिका के माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। सर प्यार हमेशा सच्चा ही होता है। हाँ तो कौन कहता है प्यार सच्चा नहीं होता, हमने भी प्यार किया है। ये बात नहीं कि हमें नहीं मालूम कि प्यार क्या क्या होता है। तब तो एक मासूम लड़की की जान की जिम्मेदारी भी आप लोगों की है या नहीं? इन प्यार करने वालों से पूछो। देखो पुनीत, कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को फूल जैसे पालते हैं, कोई अपनी बेटी का नुकसान क्यों करेगा है? नहीं सर, ये अंकल आंटी जरूर कुछ छुपा रहे, ये साफ साफ क्यों नहीं कहते? अगर दीपिका अमेरिका में है तो उससे फोन पे बात करें। उसकी शादी हो चुकी है तो वो तुम्हारी बात उससे कैसे करा सकते हैं? नहीं सर, दीपिका जरूर किसी मुसीबत में, मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट की थी लेकिन। तो तब उस वक्त क्या हुआ था? अंकल आंटी ने तब भी यही कहानी सुनाई थी जो अब आपको सुनाई। जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसने सोचा था कि हम लोग कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से कहेंगे कि लड़की को अदालत में पेश किया जाए, हेबियस कॉर्पस। तो किया क्यों नहीं? मेरे अलावा कोई बोल ही नहीं रहा था कि दीपिका गायब है और मेरी बात पे किसी ने विश्वास नहीं किया। कौन है वो ऑफिसर? उसका नाम यशवंत है सर। यशवंत, चलो इससे भी मिलकर देखते हैं। जी कहिए, आप क्या काम है? हाँ हम लोग सीआईडी से हैं, यशवंत जी से मिलना है, उनसे केस के सिलसिले में बात करनी है। पर वो तो अब पुलिस में नहीं है। क्या इंस्पेक्टर यशवंत ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी? 2 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ, पर आपको क्या जरूरी काम आ गया? एक्चुअली हमें उनसे थोड़ी सी मदद चाहिए थी। आइए मैं मिलवा देती हूँ। मेरा नाम पूजा, मैं यशवंत की वाइफ। मैं आपको उनसे मिलवा तो देती हूँ पर मुझे नहीं लगता कि वो आपकी कुछ मदद कर पाए। यशवंत देखो तुम्हें मिलने आए हैं। ये इन्हें क्या हुआ? इन्हें गोली लगी थी और ब्रेन को छू के निकल गई, तब से इन्हें कुछ याद नहीं रहता। यशवंत ये लोग सीआईडी वाले हैं और तुम्हें कुछ पूछना चाहते हैं। यशवंत जी आपको याद है आपके पास 2 साल पहले एक लड़की के गायब होने का केस आया था, दीपिका नाम था उसका, उसके बॉयफ्रेंड पुनीत ने आपके पास रिपोर्ट लिखवाई थी। केस? कैसा केस? ये उसकी फोटो है दीपिका की। सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। देखो यशवंत कुछ याद आ रहा है? सब धुंधला नजर आ रहा है। कौन है ये? ये दीपिका है, दीपिका 2 साल पहले गायब हुई थी। दीपिका कौन? शायद जीवनदास। या जीवनदास? जीवनदास हाँ, बहुत पूछा उससे, कुछ नहीं बताया उसने, छुपा रहा था मुझसे, जरूर कुछ करता है। थैंक यू यशवंत जी, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। जीवनदास कुछ छुपा रहा था? हमसे बात करते समय कोई और ही कहानी बता रहा था वो। वैसे हमसे बात करते हुए वो डरा हुआ था। प्रेडिक्स और विवेक को जीवनदास पे नजर रखने के लिए कहता है, हम दोनों फिर से बीच पे चल के चेक करते हैं। हो सकता है इसे देख के किसी को कुछ याद आ जाए। अरे वो दूसरा वाला कहाँ है नारियल पानी बेचता है जो? दूसरा आदमी? अब क्या कह रहे हैं साहब, ये नारियल दुकान मेरा है, ये जगह मेरी है, ये स्टॉल मेरा है। नहीं, जो जो सुबह सुबह यहाँ पे बेचता है। सुबह सुबह? हाँ साहब,
यही एक नारियल दुकान है जो मेरा है और मैं 10 बजे से पहले कभी नहीं आता। क्या मतलब? कल 7:30 बजे वो मुझे यहाँ मिला था, उसे लगा मैं वहाँ पे डूब रहा हूँ इसलिए मुझे बचाने आया था। तुमने तो बात की थी ना उससे? हाँ, उसने कहा तो था कि सुबह सुबह जो जॉगिंग करने के लिए आते हैं उनके लिए नारियल का स्टॉल खोलता है वो। हाँ देखो, हम लोग CID से हैं, सच सच बताओ तुम्हारा वो पार्टनर कहाँ गया? साहब मैं झूठ क्यों बोलूँगा, यहाँ पर कोई भी सुबह में नारियल बेचने नहीं आता है, सिर्फ मैं ही आता हूँ। आप चाहे तो दूसरे स्टॉल वाले से पूछ सकते हैं। कमाल है, ये आदमी सच कह रहा है तो फिर वो दूसरा आदमी था कौन? अब आप लोग मेरे साथ हो तो मैं दीपिका को कहीं से भी ढूंढ ही निकालूंगा। तुम हमारे साथ में नहीं हो, तुम सिर्फ दीपिका की केस में हमारी मदद कर रहे हो, समझे? जी समझ गया, लेकिन मुझे लगा था कि CID में मैं... CID में काम करना इतना आसान नहीं है, टाइगर का दिल चाहिए सीने में, समझे? टाइगर का दिल? हाँ, टाइगर का दिल, हिम्मत, ताकत और फुर्ती, ये है CID की पहचान। जी जैसा आप कहें। लगता है मिस्टर जीवनदास कहीं बाहर जा रहे हैं। चलो अच्छा हुआ, कम से कम ये बाहर तो निकला। इतने बड़े बैग में क्या लेकर जा रहा है? विवेक जल्दी चलो, ये आदमी हमारी नजर से बाहर नहीं जाना चाहिए, चलो जल्दी। आप लोग उसी आदमी को ढूंढ रहे हैं ना जिसने लाल कलर की टी शर्ट, ब्लैक कलर की पैंट और ब्लैक जैकेट पहन रखा था, जिसकी स्लीव्स फोल्ड की हुई थी? या करेक्ट करेक्ट करेक्ट, भाई भाई भाई, आपने देखा उसे? जी हाँ सर, ये लंबी गाड़ी में बैठ कर गया, जैसे हॉलीवुड की पिक्चरों में होती है ना। लंबी गाड़ी में? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी मैं रोज सुबह यहाँ टहलने आता हूँ। नारियल पानी वाला लंबी गाड़ी में बैठ के गया? या मुझे पता नहीं था कि नारियल पानी बेचने में इतना पैसा मिलता है। सही कहा अभिजीत, ये आदमी नारियल पानी बेचने वाला नहीं हो सकता, लगता है दीपिका को गायब करने में उसी का हाथ होगा। अच्छा आप कुछ और बता सकते हो उस कार के बारे में, उसका नंबर क्या था, कोई निशान कार पर? मैं ठीक तरह से देख नहीं पाया, लेकिन लाल कलर की कार थी, शिबाची, एकदम नई कार थी सर, प्लास्टिक कवर भी नहीं निकला था। शिबाची? देखा, ये शिबाची कार तो अभी अभी इंडिया में लॉन्च हुई है। शिबाची कार के डीलर से पता करते हैं ये कार उन्होंने किस किस को बेची है। Excuse me, ma'am. Yes, sir. ये मैनेजर साहब किधर हैं? वहाँ हैं। Thank you. Welcome. Excuse me. Actually, हम लोग CID से हैं और हमें शिबाची कार के बारे में ही बात करनी है। देख, जितने भी शिवाज बेची हैं, उन सब कस्टमर्स के हमें पूरी लिस्ट चाहिए। ये लीजिए सर। कार तो बाहर ही खड़ी है। अभिजीत, टायर पे अभी भी रेत लगी हुई है, बीच की नरम नरम रेत। एक्सक्यूज मी, आप मेरी कार के पास क्या कर रहे हैं? मिस्टर केदार, यही नाम है आपका? जी हाँ। आपकी गाड़ी चेक करनी है हमें। हाँ लेकिन 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 छोड़िए, हम लोग CID से, गाड़ी की चाबी दीजिए, हमें कार को अंदर से चेक करना है अभी इसी वक्त, जल्दी। अरे प्लीज, मगर मैं सच कर रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। अभी पता चल जाएगा। अभिजीत, यहाँ नीचे रेत है, यहाँ सीट पे भी रेत है, यही है बॉस, इस सीट पे किसी को रखा गया है, यही गाड़ी है। मिस्टर केदार, आपकी गाड़ी में रेत कहाँ से आई? आजकल आप बीच पे जाते हैं गाड़ी लेके क्या? सर मेरी मम्मी और मेरी वाइफ
दोनों घर पर बीमार हैं। जब से मैंने ये गाड़ी खरीदी है मैं एक बार भी नहीं चला पाया, मेरा ड्राइवर ही इसे लेके जाता है। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर आपका, बुलाइए उसे। सर थोड़े दिन पहले उसे रखा था लेकिन अब उसका कोई पता नहीं है। कल कार डीलर का फ़ोन आया था कि कार के पेपर्स में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैंने पेपर्स लेकर उसे डीलर के पास भेज दिया था। यार ये आदमी चाहता क्या है? गुलाबा से यहाँ गोरेगांव तक ड्राइव करा के थका दिया। इतनी दूर आए हैं तो कुछ काम होगा ही। ये एक ब्रांड न्यू शिवाजी कार का नंबर है, ये किसी केदार के नाम से रजिस्टर्ड। हाँ सर, इस नंबर की गाड़ी तो हमारे यहाँ ही सर्विस हुई थी। तो ये कार यहाँ पे कौन लेकर आया था? मिस्टर केदार का ड्राइवर आया था सर, और एक्ट तो ऐसे कर रहा था जैसे वो गाड़ी का मालिक हो। मतलब 20 मिनट में 25 बार मुझसे ये पूछ चुका था कि कार सर्विस होने में कितना टाइम लगेगा। बार बार अपनी घड़ी देखे जा रहा था, मानो किसी हीरोइन के साथ उसकी कोई मीटिंग हो। मतलब 20 मिनट तक वो यहाँ पे था? हाँ सर बिल्कुल, 20 मिनट तक यहीं पे था, फिर अचानक उसका कोई फोन आया और वो फटाफट यहाँ से चला गया। ये आपने कुछ सुना था? फोन पे क्या बात कर रहा था वो? वो फोन पे किसी को गालियाँ दे रहा था, बेवकूफ बुढ़े। बेवकूफ बुढ़ा, थैंक्स। बूढ़ा इस केस में तो एक ही बूढ़ा आदमी है। बोट का मालिक हीरा लाल, कहीं हीरा लाल तो नहीं? हीरा लाल की बोट में बैठ के वो लड़की भागी थी, तो हो सकता है शायद ड्राइवर ने हीरा लाल को गाली दी हो। हीरा लाल से ही पूछते हैं। ये क्या अंकल, 25 किलोमीटर दूर कचरा फेंकने आए थे? ये कोई कचरा नहीं हो सकता है पुनीत। ये ले, देख कैसा कचरा है। सही, ये तो लाखों रुपये है। ए, 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 संभाल के। अरे जल्दी चलो, जल्दी करो ना, क्या कर रहे हो? चलो चलो। ओए ओए ओए, ये सब क्या हो रहा है? अरे ये घर का सामान लेके कहाँ भाग रहे हो? सामान बिक रहा है? अरे फ्री का माल मिल रहा है, सब लोग ले जा रहे हैं। कहाँ कहाँ फ्री का माल लेके कहाँ जा रहा है? पर हीरेलाल जी कहाँ हैं? वो तो रातों रात भाग गए, सारा सामान लेकर भी चले गए, कपड़े छोड़ गए। सामान रख सर। कुछ सामान नहीं है, सारा सामान उठाकर ले गए। ये लोग पड़ोसी है या लुटेरे? ऐसे मौके में तो सब पागल ही हो जाते हैं। ये कहाँ जाता है? अभिजीत, यहाँ कुछ है, देखो रस्सी, शायद यहाँ किसी को ऐसे बांध के रखा होगा। दीपिका को, उस बुड्ढे बुढ़िया ने दीपिका को यहीं बांध के रखा होगा। उसने किसी तरह अपने आप को छुड़ाया और इन्हीं की बोट लेके भाग गई। हम उनकी गरीबी और उम्र को देख के धोखा खा गए, ये तो दीपिका हमें कली मिल जाती। हेलो जीवनदास, 50 लाख रुपए? ये क्या कर दिया आप लोगों ने? किसने कहा था आप लोगों को वहां से पैसा उठाने के लिए? अगर उन लोगों ने मेरी बच्ची की जान ले ली तो किसकी जिम्मेदारी होगी? मैं क्या करूंगा? मेरी मासूम बच्ची। आपने हमसे झूठ क्यों कहा जीवनदास जी? आपने अपना ही नुकसान कर लिया। हम अब भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। मैंने आपकी मदद ली और उन्होंने मेरी बेटी की जान ले ली तो? कुछ भी नहीं होगा। आप सच सच बताइए, दीपिका के साथ क्या हुआ था? दरअसल मेरा डायमंड का बिजनेस है, बहुत सारे लोगों की नजर मेरे पैसों पर रहती है। 2 साल पहले अचानक हमारी बेटी गायब हो गई।
हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो कहीं नहीं मिली। बाद में फोन आया कि उसे किडनैप कर लिया गया है। उन लोगों ने फोन पर धमकी दी कि अगर मैंने पुलिस को कुछ भी बताया तो वो तो उसकी जान ले लेंगे। उसके बाद वो लोग पैसे मांगते रहे और मैं पैसे देता गया। 2 साल से दीपिका किडनैप्ड है। अभी एक बात तो पक्की है कि इनकी बेटी दीपिका को उस बूढ़े ने अपने घर में छुपा के रखा। यस सर। और जब दीपिका ने बोट में बैठ के वहां से भागने की कोशिश की होगी तभी मैंने उसे देख लिया। काम करते हैं, बुड्ढे का मुंह खुलवाते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा सर। जीवनदास जी, अगर आप हमें थोड़ी भी मदद करें ना तो हम आपकी बेटी को बचा सकते हैं। बोलिए, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता। आप दीपिका के किडनैपर्स के बारे में ऐसी कोई खास बात बता सकते हैं जिससे हम उन्हें पहचान सकें? जैसे उनके बात करने का तरीका या फिर उनकी आवाज, कुछ भी। किडनैपर के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अपनी बेटी के बारे में बता सकता हूँ। अपनी बेटी के बारे में? क्या वो दूध नहीं पी सकती? उसे दूध, मक्खन, पनीर सबसे एलर्जी है। वो सिर्फ सोया दूध पीती है। सर, अगर किडनैपर्स ने दीपिका को 2 साल से खिला पिला कर जिंदा रखा है तो उन्होंने उसके एलर्जी का ख्याल रखा होगा। वो लोग उसे सोया का दूध ही देते होंगे, दूसरे वाला नहीं। ये तो बहुत अच्छा हो गया। बहुत ज्यादा लोग सोया मिल्क का इस्तेमाल नहीं करते और उसके सिर्फ 2-3 ब्रांड ही मार्केट में है। एक काम करते हैं, जहां जहां ये सोया मिल्क मिलता है वहां जाकर पूछते हैं। अरे सुनना है आपको। यस सर, क्या चाहिए आपको? सोया मिल्क। सोया मिल्क सर, एक मिनट में पूछ के बताता हूँ। जल्दी प्लीज बता देना, मेरे को जाना है। जल्दी जल्दी करना। ओके। सर, एक कस्टमर है, उसे सोया मिल्क चाहिए, अपने पास है क्या? यही चाह रहा है। बिल्कुल सेम चाह रहा है। सीआईडी को इसकी तलाश है, रोको उसे। सर, ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। कमाल के आदमी यार, इतनी देर से जाके तुम गप्पे लड़ा रहे हो वहाँ पे यार। मैंने बोला तुमको जल्दी है, मेरे को तो बताना चाहिए ना मेरे को यार, मैं कहीं और चले जाता यार। सर बस वो लाया सर। ओके सर। रुकिए सर, अभी अभी आ रहे हैं सर। वो देखिए सर, लेके आ गए। दोनों थोड़ी देर हो गई। देखिए सर आ गए। ठीक है ठीक है, ये रखो, चेंज दो। सर सर आपकी चेंज रख ले भाई। ये क्या तरीका है? ये क्या रेस्टोरेंट आपने लोगों को लूटने के लिए खोल रखा है? क्या हुआ क्या? अरे क्या होना क्या मतलब, या तो आप अंधे हो या आपको लगता है हम लोग बेवकूफ हैं। पूरा का पूरा दूध लीक हो रहा है, वो पूरा आधा दूध सड़क पे गिर गया। और कोई काम नहीं है यहाँ? यहाँ आऊँ, घर पे जाऊँ, दुकान पे, यही चलता रहेगा क्या? I'm sorry, sir. दया, वो आ गया है, मैनेजर के पास है, कह लो। बेचते हो नारियल पानी और पीते हो सोया मिल्क, है? अरे भाई गोली मत चलाना। कुछ होगा? अरे कुछ नहीं हुआ, डरना मना है। रुक। नहीं 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 नहीं। हट हट, लगता बेहोश हो गया। मोबाइल मोबाइल, इसे काफी कुछ पता चल जाएगा। देखते हैं किसे किसे फोन किया इसने और कहां कहां से कॉल आई है। बॉस बॉस, कोई स्पेशल नंबर लगता है, ट्राई करते हैं। चलो देखते हैं। तुमने फोन पे भी नहीं बताया और वैसे भी तुम बहुत एक्साइटेड लग रही है। मुझे भी कुछ कहना नहीं चाहिए लेकिन इतनी बड़ी खुशी में अब रोक भी नहीं सकती। तुम्हें विश्वास नहीं होगा भैया, लेकिन हमारी दीपिका जल्दी ही घर वापस आने वाली है। क्या कहा? दीपिका सच में? हाँ भैया, एक सीआईडी ऑफिसर ने उसे देखा है। हमारी दीपिका जिंदा है। तुमने सीआईडी को बता दिया? अरे दीपिका की जिंदगी के बारे में तो सोचना चाहिए था। नहीं भैया,
हमने किसी को कुछ नहीं बताया, उन्हें अपने आप ही सब कुछ पता चल गया है और उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि हमारी दीपिका घर वापस आ जाएगी। देखो प्रीतम, कितना टाइम बीत गया है, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन अब लगता है हमारी बेटी वापस आ जाएगी। जी वैसे भी इससे ज्यादा खुशी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, मैं भी बहुत खुश हूँ। वैसे भी तुम दोनों ने बहुत तकलीफ सही है, मेरी भांजी एक बार घर आ जाए बस। इतनी मुश्किल से सब कुछ छुपा कर रखा था, लेकिन अब लगता है कि वही करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता था। वैशाली और जीवनदास को भी जाना पड़ेगा, अब दीपिका का जिंदा रहना भी खतरनाक है। भाई जब तुम लोगों ने इतनी अच्छी खबर सुनाई है तो मैं भी तुम दोनों को एक सरप्राइज देना चाहता। सरप्राइज अभी? कैसी सरप्राइज भैया? अगर मैंने बता दिया तो फिर वो सरप्राइज कैसा रहेगा? उसे देखने के लिए तो तुम दोनों को खुद मेरे साथ चलना होगा। प्रीतम हमें कहाँ ले आया है, ये कैसा सरप्राइज है? सुनो यहाँ से जल्दी बाहर निकल चलो, प्रीतम भी कहीं गायब हो गया है। मैं कहीं गायब नहीं हुआ हूँ। देखो मैं किसे लेके आया हूँ। दीपिका बेटी। माँ दीपिका। बस बस वहीं ठहरो, सबको अलग अलग मरना है। मैंने किडनैप किया है दीपिका को। I'm so sorry चिच्चा जी। तुझे मैंने अपना भाई समझा था, अपनी बहन की बेटी को किडनैप करते हुए तुझे शर्म भी नहीं आई? आई क्यों नहीं आई, इसका कभी भी शर्म आ रही। तू कमीना। इसे हाथ मत लगाना, अपनी बहन को मारेगा, हमें पूरी तरह से बर्बाद करके तुझे चैन नहीं आया। छोड़ो मुझे, मैंने एक अच्छे मामा होने का फर्ज पूरी तरह से निभाया। वो देख, पूरा ख्याल रखा मैंने दीपिका का, पूछना उससे, लेकिन ऊपर जाके यही कहीं होना चाहिए सर। वो सोया मिल्क वाले आदमी के मोबाइल से लास्ट कॉल यहीं पे आई थी, शायद ये दीपिका भी यहीं पर हो सकती है। चलो सर। तुमको क्या लगता है, मुझे बार बार हाथ फैलाना अच्छा लगता था? इतनी मेहनत के बाद भी मैं तो अमीर आदमी नहीं बन पाया। हाँ लेकिन मेरी ये बहन जो मुझे राखी बांधती है, वो इतने अमीर घर की बहू बन गई। पैसे के लिए कौन नाटक नहीं करता है दीदी, लेकिन हाँ मैं पैसे शान से कमाना चाहता था। फिर मैंने सोचा कि अगर इतने बड़े डायमंड मर्चेंट की बेटी की जिम्मेदारी अगर मैं ले लूं तो किडनैपिंग को जिम्मेदारी बोलता है, इतनी बदतमीजी से क्यों बात करो जीजा जी? जाओ, मैं तुम दोनों से बात नहीं करूंगा। अरे तो सीआईडी वाला पता नहीं कहां से बीच में आ गया। उस सीआईडी ऑफिसर ने पराया होकर भी दीपिका को बचाने की कोशिश की। किडनैपर्स को पता चल चुका है कि सीआईडी उनके पीछे है, हमें बहुत होशियारी से घेरना होगा। तुम चुप,
बिल्कुल चुप। जानती कितनी मुश्किल से उसे उलझाकर मैंने इसे पानी से निकाला? गुड बाय दीदी। गुड बाय जीना जी। विक छोड़ो इसे। बस अंकल काम खत्म। पेट्रिक्स लेके जाओ इनको। क्यों जीवनदास जी, बेटी मिल गई ना आपकी? जी। याद रखना, कभी भी सीआईडी से कुछ भी छुपाना नहीं। चल मैं तुझे बताऊंगा कि किडनैपिंग करने का नतीजा क्या होता है। चल Thank you.